तो नमस्कार, मैं डी पी आर, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जंतर मंतर का नज़ारा है। और देखिए, आज आप यहाँ पर पूरी वीडियो देखना, आज यहाँ पर पूरा जंतर मंतर जो है एक छावनी में तब्दील हो गया है। मीन्स यहाँ पर आज पुलिस फोर्स जो है बहुत भारी बल में यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आज 144 धारा लागू कर दी गई है। यहाँ पर 4 लोगों से अधिक इकट्ठे लोग बैठ नहीं सकते बिना परमिशन के। जिनको परमिशन होगी वो ही वहाँ पर बस बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करीब 77वां दिन यहाँ पर आज इस धरने को चल रहा है। यहाँ पर 7 मई 2023 है और यहाँ पर 77वां दिन आज इस धरने को चल रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में देखिए, आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर पुलिस एंड फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और यहाँ पर बहुत ही मात्रा में देखिए पुलिस है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बैठी हुई है, आप लोग देखिए। और जैसे यहाँ पर रोज़ाना की तरह धरना का तैयारी होती है, तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने सारे पोस्टर वगैरह लगाए हैं। और आज यहाँ पर तमिलनाडु की टीम आने वाली है, जो कि इस समय तक पहुँच गई होगी। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं पुलिस, देखो आप कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस आज तैनात है, क्योंकि यहाँ पर आज 144 धारा लगा दी गई है। और फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो पुलिस जो है वो इसीलिए लगाई गई है क्योंकि आपको बताया कि पहलवानों का भी यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, और यहाँ पर उसमें किसान भी आके शामिल हो गए, और इसके बाद में यहाँ पर फौजी भाइयों का भी चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये आज यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सूचना कि 7 मई से लेके और 25 मई तक यहाँ पर पेंशन अदालत स्टार्ट होगी, जिसमें वहाँ पर कोई भी जो पेंशन से रिलेटेड समस्या है उसको रख सकता है और उसका सॉल्यूशन भी ले सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना, 7 मई से लेके यहाँ पर आपको जो सुविधा मिलने वाली है वो 25 मई तक मिलेगी। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनको पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कितनी पेंशन आनी है, कितना टेबल है, कितना एरियर है, कौन सा क्या लागू हुआ है, ORP 2 क्या इंस्टॉलमेंट होना है, कैसे कब आना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोग जिनको डाउट है वो वहाँ पर 7 मई से लेकर 25 मई तक अपनी जो शिकायत है उसे पेंशन अदालत में वहाँ पर रख सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो भी आपके सामने समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन होगा। और वहाँ पर वो सारे जो काम होंगे वो निःशुल्क होंगे, वहाँ पर कोई भी किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा और सारा कुछ वहाँ पर सब कुछ फ्री होगा, निःशुल्क होगा। तो मित्रों, यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।